सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। जो मालवीय आपका बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाई यूज ऑयल इन ट्रांसफार्मर। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हम ऑयल को क्यों यूज करते हैं, हमारा उसका ऑयल यूज करने का पीछे का पर्पज क्या होता है, उनके ऑयल के क्या एडवांटेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन होते हैं, पहला तो हमारा मोटर होता है एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफार्मर। हम कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मेन क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इन दोनों टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हमारा जो ये आज का वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि हम क्यों ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेन हमारा पर्पज़ है, मेनली दो पर्पज होते हैं जिसके कारण कि हम ट्रांसफार्मर ऑयल को हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। फर्स्ट वन इज द कूलिंग पर्पज, कूलिंग पर्पज। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, हमारी इसकी वाइंडिंग के अंदर से, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसके वाइंडिंग के अंदर से वोल्टेज एंड करंट फ्लो होता है। तो जो हमारा वोल्टेज एंड करंट हमारा इसके अंदर से फ्लो होता है, हमारा इसके अंदर से आगे क्रॉस होता है इसमें, तो फ्रेंड उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का हमारा जो टेम्परेचर होता है ना बढ़ जाता है। हमारा जब टेम्परेचर धीरे 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 करके टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे हमारा करंट एंड वोल्टेज फ्लो होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे टाइम के साथ क्या होगा, हमारे इसका जो टेम्परेचर है हमारे वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा तो एक कंडीशन ऐसा हमारा एक स्टेज ऐसा आएगा उस स्टेज पे जाके हमारा जो ट्रांसफार्मर है का वाइंडिंग है वो हमारी डैमेज हो जाएगी, हमारी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वो जल जाएगी। क्योंकि वाइंडिंग जलने का मतलब क्या होता है कि हमारी जल ओवर हीट हो जाए। तो अगर टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला पर्पज हो गया कूलिंग पर्पज की, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज करते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सेकेंड, वो है इंसुलेटिंग। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये दो वाइंडिंग हो गई, तो फ्रेंड्स अब ये दो वाइंडिंग हो गई, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इसके अंदर हमारी ये दो, मान लीजिए हमारी तीन वाइंडिंग हो चली, मान लीजिए हमारी तीन वाइंडिंग हुई ट्रांसफार्मर की। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग, मतलब कि हमारे करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, हमने इसके बीच में हमने ट्रांसफार्मर ऑयल भर दिया हमारे इन वाइंडिंग्स के बीच में, तो अब हमारा जो इसका नेचर है क्या है, इंसुलेटिंग है। तो ये हमारी जो ए वाइंडिंग होगी पहली दूसरी, इन दोनों को या इनमें से किसी एक दो को आपस में शॉर्ट नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब हमारे इनके बीच में जब इंसुलेशन आ गया तो हमारा आपस में तो इनका कोई कॉन्टेक्ट बनेगा ही नहीं, जब कॉन्टेक्ट बनेगा ही नहीं तो हमारे आपस में शॉर्ट होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि हमारी जो वाइंडिंग होती है उनको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है हमारा, हमारी जो वाइंडिंग होती है वो इंसुलेटेड हो जाती है। इंसुलेटेड हो जाने से क्या होता है कि हमारे उसकी ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारी कोई भी वाइंडिंग है वो हमारी जो है टाइम के साथ जो उसका इंसुलेशन होता है ना वो वीक होने लगता है, इंसुलेशन वीक होने लग जाता है, मतलब इनके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो हमारी इंसुलेशन को वीक नहीं होने देता है। जो हमारी ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है हमारा, जो हमारी वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन है उसको वीक नहीं होता, क्योंकि ये एक खुद ही एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल होने का कारण है कि हमारा आपस में इनको शॉर्ट नहीं होने देगा, इनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ा देगा। जब इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देगा तो हमारे जो इसका इंसुलेशन है उसकी लाइफ बढ़ जाएगा, तो हमारा जो उसका इंसुलेशन हो गया ट्रांसफार्मर वायर के, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का, वो हमारा वीक नहीं होगा, मतलब हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ काफ़ी अच्छी बन जाएगी। फ्रेंड्स, ये था हमारा
हम ट्रांसफार्मर ऑयल का ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर के ऑयल को यूज करने के पीछे का मोटिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट कर जो ना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।